क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी जो हमने पढ़ा है वो विथ वॉल नंबर के पढ़ा था कि जो वॉल नंबर्स अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे शो करेंगे। अब हम इंटीजर्स यूज कर रहे हैं, नाउ वी विल यूज इंटीजर्स, और इंटीजर्स के साथ में हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस यूज करेंगे, जैसे कि एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चार बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं विद द इंटीजर्स, और फिर देखते हैं कि इंटीजर्स भी क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं और किस ऑपरेशन के साथ में ये करते हैं। तो सबसे पहले नंबर वन जो आपका ऑपरेशन आया वो हम लोग यहाँ थोड़ा इसको टेबुलर फॉर्म में बना लें। तो ऑपरेशन सबसे पहले एडिशन आया, और नंबर हम लोगों ने यहाँ पर जो यूज किए हैं वो इंटीजर्स यूज किए हैं। तो इंटीजर्स में सपोज किया मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4, ये -4 लिख लेते हैं, -4 इज निगेटिव इंटीजर। ऑपरेशन क्या है? प्लस का है, एडिशन है, और इसमें मैं ये 6 नंबर ऐड करता हूँ -4 के साथ में। इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट में लिख दूँ तो ये और ज़्यादा क्लियर होगा। अब रिजल्ट जो आएगा वो आएगा -4 + 6 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर दूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 - 4, और तब आप समझ जाएंगे कि रिजल्ट जो आएगा वो +2 होगा। अब यहाँ पर क्या है कि -4 वो निगेटिव इंटीजर है, +6 जो 6 है आपका वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके इंटीजर आए और राइट हैंड साइड में जो है वो रिजल्ट आया 2, तो 2 भी इंटीजर है। तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि एडिशन का जो केस है, एडिशन का जो ऑपरेशन है, उसमें इंटीजर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो इंटीजर्स आर क्लोज अंडर द एडिशन ऑपरेशन, अंडर द एडिशन, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब की बार क्या करते हैं कि दोनों निगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, तो एक ले लिया -6 और -6 को ऐड किया -3 के साथ में, तो अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें आपके लिए, -6 और प्लस माइनस हो जाएंगे -3, तो रिजल्ट आया -9। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है और दोनों निगेटिव इंटीजर हैं। ऊपर के केस में क्या था कि एक निगेटिव इंटीजर था, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ पर आपके दोनों ही इंटीजर्स हैं और निगेटिव इंटीजर है। राइट हैंड साइड में आपको जो रिजल्ट मिला वो -9 मिला, और ये भी इंटीजर है और निगेटिव इंटीजर है, तो ये दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि इंटीजर्स जो हैं -6 - 3 आर क्लोज, यू कैन राइट हियर इंटीजर्स आर क्लोज अंडर द एडिशन ऑपरेशन एज यू हैव रिटन अर्लियर। तो ये तो ऑपरेशन हुआ आपका एडिशन का। अभी सेम जो हम इंटीजर्स को ही यूज कर सबट्रैक्शन के केस में देखते हैं कि जो इंटीजर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेंगे या नहीं करेंगे। इन द ऑपरेशन ऑफ सबट्रैक्शन व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक डज दीज इंटीजर्स विच आर गिवन बिलो शो द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द सबट्रैक्शन ऑपरेशन। तो अब सबट्रैक्शन ऑपरेशन के साथ में हम लोगों को क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना है ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे -5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0, ये एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, +1 + 2 + 3 + 4 लाइक दिस। तो नेगेटिव जो नंबर्स हैं ठीक है, और जो पॉजिटिव नंबर हैं अलोंग विद दी जीरो, ये सभी ये आपका जो
रिजल्ट होगा ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेगा या नहीं करेगा? यस, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेगा। दूसरा ऑपरेशन ले लेते हैं, माइनस फोर माइनस थ्री, थ्री को सब्ट्रैक्ट किया है माइनस फोर से, तो रिजल्ट क्या आया? माइनस फोर माइनस इज इक्वल टू माइनस। थर्ड केस में देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ, मल्टीप्लीकेशन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है विद द इंटीजर्स, राइट। तो इंटीजर्स क्या है ये हम लोग पता लगा चुके हैं ऑलरेडी, और तो अभी मल्टीप्लीकेशन के केस में देखते हैं। एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल माइनस फोर इंटीजर हुआ, मल्टीप्लाई किया दूसरे इंटीजर के साथ में, सपोज किया वो फोर है, तो रिजल्ट कितना आया? माइनस सिक्सटीन। सेकेंड एग्जाम्पल, ये हमारा फर्स्ट था, तो इसमें फाइव इंटू थ्री, तो रिजल्ट कितना आया? फिफ्टीन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, माइनस सिक्स इंटू माइनस सेवन, रिजल्ट कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और सिक्स सेवन जा फोर्टी टू हो जाएंगे। तो अभी ये पॉसिबल एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ये माइनस प्लस हुआ, ये प्लस प्लस के हुआ, और ये दोनों माइनस के हुआ। तो माइनस फोर आप बताइए इंटीजर है या नहीं है? यस इंटीजर है, गुड। और फोर इंटीजर है? यस ये भी इंटीजर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड में आपका इंटीजर हुआ। एग्जाम्पल को देखें, फाइव क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। थ्री क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया? इंटीजर आया। राइट हैंड साइड में 15 है, ये भी इंटीजर है, तो यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ? माइनस सिक्स इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ये भी निगेटिव इंटीजर, और राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव इंटीजर, तो इस साइड भी इंटीजर हुआ और इस साइड भी इंटीजर हुआ। तो इस करके क्या होगा कि ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेंगे। तो यू कैन राइट कि इंटीजर्स आर क्लोज, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर दी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। अब एक ऑपरेशन आपका और बचा है, एंड दैट इज दी, बताइए आप बताइए कौन सा ऑपरेशन है? दैट इज दी ऑफ डिवीजन। तो अब डिवीजन ऑपरेशन के साथ में देखते हैं कि इंटीजर्स का क्या बिहेवियर, तो इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो डिवीजन के केस में इंटीजर्स हुआ टू, और डिवाइड किया इसको थ्री से, आपको इंटीजर मिला। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें कि ए इज इक्वल टू टू है और बी इज इक्वल टू थ्री है, और ए को आपने डिवाइड किया बी से, दैट कैन बी रिटन एज टू डिवाइडेड बाई थ्री, और ये सभी स्टेप्स के बाद में आपका ये रिजल्ट यहाँ पे आया टू बाई थ्री। अब टू बाई थ्री क्या है? ये एक रैशनल नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ा और क्लियर कर लेंगे, ये सेकेंड एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर रहा हूँ। हियर ए, आप पहला जो इंटीजर आया वो सपोज किया माइनस थ्री, दूसरा जो इंटीजर यूज किया वो फोर किया, तो माइनस थ्री डिवाइड बाई फोर, ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? माइनस थ्री डिवाइड बाई फोर। तो अब आप ये बताएं कि माइनस थ्री क्या है, इंटीजर है या रैशनल नंबर है? यहाँ पर दो नंबर यूज किए, एक माइनस थ्री और एक थ्री बाई फोर, तो क्या है? ये तो रैशनल नंबर है। तो राइट हैंड साइड में तो आपको रैशनल नंबर मिल रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ कि डिवीजन के अंदर जो इंटीजर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे।